हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अवनीश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग नेचुरल बॉडी बिल्डर होके मसल बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन टिप्स दूंगा जिससे कि आप नेचुरली मसल गेन कैसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट टिप है कि आप लोगों को, अगर आप लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, गेनिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को रेगुलर 6 से 7 दिन एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग 3 to 4 डेज या फिर मैक्सिमम 5 डेज का वर्कआउट स्प्लिट रखें और 1 आवर से ज्यादा आप लोग ट्रेनिंग ना करें, ताकि आप लोगों की ओवर ट्रेनिंग ना हो और प्रॉपर मसल रिकवरी आप लोगों को प्रोवाइड हो। जो सेकंड टिप आप लोगों को देना चाहूंगा वो है कि आप लोग कंपाउंड लिफ्ट पे फोकस करें, जैसे कि बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट्स हो गई, डेड लिफ्ट हो गई, 3 लिफ्ट ये हो गई। जो फोर्थ लिफ्ट है वो है ओवरहेड प्रेस पे फोकस कीजिए और बाइसेप कर्ल पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो मेजर कंपाउंड लिफ्ट्स है यही आप लोगों को मसल बिल्ड या फिर कहें साइज गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जो थर्ड टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, ये टिप आप लोग जरूर फॉलो करें। जो थर्ड टिप में ये है कि आप लोगों को अपनी कैलोरीज को जरूर काउंट करना है कि आप लोग कितना खा रहे हो। कभी कभार हमें लगता है कि हम लोग इनफ खा रहे हैं फिर भी हमारी गेनिंग या फिर मसल साइज नहीं पड़ रहा, पर ऐसा नहीं होता। हम लोग उतना नहीं खाते जितना हमें खाना चाहिए, फिर खाते भी हैं तो रॉन्ग फूड खाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मैगी खा ली, चिप्स खा ली, तो हम लोगों को जंक फूड तो खाना ही नहीं है। मसल बिल्डिंग में आप लोगों को सिर्फ क्लीन फूड खाना है और आप लोग कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें कि आप लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकें कि आप लोग कितना कैलोरीज खा रहे हैं। आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरी हो, जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 है और मैं अभी गेनिंग कर रहा हूं तो मैं अभी अराउंड 3400 to 3500 कैलोरीज खा रहा हूं, तो आप लोग भी ऐसे ही अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलोरीज को रोज कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, आप लोग जैसे ही 1 वीक या फिर 10 डेज तक कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, और जब भी आपका मसल बिल्डिंग जो फिर गेनिंग है वो स्टॉप हो जाए तो आप लोग 100 या फिर 200 कैलोरीज को और इंक्रीज कर दीजिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, ना कि जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 है और मैं सीधा 5000 कैलोरीज खा रहा हूं, नहीं। क्योंकि मैं या फिर क्रिस बम्स्टेड या फिर किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर ओलंपिया बॉडी बिल्डर की डाइट फॉलो करने लगूं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं और उन्हें इस फील्ड में 20 to 30 ईयर्स हो चुका है, उनकी डाइट मुझे सूट नहीं करेगी। मेरी बॉडी डिफरेंट है, उनकी बॉडी डिफरेंट है, तो हम लोगों को अपनी बॉडी के हिसाब से डाइट को चूज करना पड़ेगा। आई होप आप लोग ये चीजें जरूर फॉलो करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।